अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आ गई हूँ मैं अपने न्यू व्लॉग और न्यू रेसिपी के साथ। मैं आज बना रही हूँ सिंधी स्टाइल बिरयानी और सॉरी फॉर द शॉर्ट वीडियो बिकॉज हमें जाना था लेडीज़ वनडिच पार्टी में, तो उस वजह से मैं रिकॉर्डिंग सही से नहीं कर पाई, लेकिन मैं अपनी रेसिपी आप लोगों के साथ सही से शेयर करूँगी कम्प्लीट। तो हम यहाँ बना रहे हैं दो मुर्गी की बिरयानी। उसमें हमने लिया है एक पैकेट बिरयानी मसाला, मैं चिली फ्लेक्स क्यूमिन पाउडर डालूंगी और साथ में मैं डालूंगी 3 टेबल स्पून गार्लिक पेस्ट। और फिर मैं डालूंगी इसमें 4 टेबल स्पून योगर्ट और फिर एटलीस्ट 2 घंटे के लिए हम इसको मैरिनेट करके रख देंगे। इससे अच्छा टेस्ट और जल्दी से ही बन जाता है क्योंकि इसमें और मसाले नहीं जाएंगे। इसलिए 2 घंटे के लिए इसको फ्रिज में मैरिनेट करके रखें। इससे टेस्ट बहुत अच्छा और बहुत अच्छी बिरयानी बनती है। फिर इसमें हम ये डाल देंगे आलू। आलू इसलिए बिकॉज आलू में भी बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा मैरिनेट करने की वजह से, और बहुत ज़बरदस्त अच्छी बनती है बिरयानी। और साथ में बना रही हूँ सैलेड। उसके लिए मैंने लिया है लेटस, कोकम्बर, टोमेटोस, अनियंस। मर्जी होती है हर किसी की जितने आप वेजिस लेने। मैंने बस ये थोड़े से ही वेजिस लिए थे बिकॉज तो बिरयानी हो तो सिर्फ यही चीज़ अच्छी लगती है बिरयानी के साथ। तो इनको मैंने बारीक बारीक काट कर सैलेड ट्रे में अच्छे से रख दिया। तो हमारी सैलेड रेडी हो गई है। ये मैं लेके जाऊँगी साथ, और ये घर के लिए लाइक मेरे अबू और भाई के लिए। साथ में मैं चावल का पानी रखती हूँ, इसी में मैं सारे गरम मसाले डाल देती हूँ बिकॉज मेरे अबू को पसंद नहीं है कि कॉर्नर में गरम मसाला हो, तो इसलिए। और काफ़ी लोग होते हैं जिनको नहीं पसंद होता है, तो इसलिए पानी में ही इसको चावलों में ही बॉईल कर लें पानी के, तो बहुत अच्छा टेस्ट और चावलों में सारा टेस्ट अच्छा सा आ जाता है। तो ये सब मैंने डाल दिया और इसको मैं बॉईल करने की रख दूँगी ढककर। तो ये मैरिनेट हो गई थी पतीली में, मैंने तेल डाल के जितना भी मैरिनेट चिकन था वो सब डाल दिया। और इसमें मैं 2 मीडियम साइज टमेटो और थोड़ी सी चिली ऐड करूँगी। और ये हमारी प्याज अच्छे से ब्राउन हो गई थी। मैं साथ में रायता बना रही हूँ हरी चटनी का, और मैं कूट के बनाती हूँ तो बहुत अच्छी ज़बरदस्त बनती है। तो ये फाइनल लुक आ गया है। मैंने इसको भून लिया था अच्छे से जब तेल आ गया था आधे घंटे के बाद, तो वो रिकॉर्डिंग नहीं कर सकी इसलिए मैं बता रही हूँ। ऊपर से मैंने पुदीना डाला है एंड देन मैं हम कोयले का धुआं लगा रहे हैं एटलीस्ट 2 घंटे के लिए कवर कर कर। हमारा पानी बॉयल हो गया था, इसको मैंने आधे घंटे के लिए पहले चावलों को भिगो के रख दिया था। बॉयल होने के बाद इसमें ये सारे चावल डालेंगे और एक कान का बॉयल करेंगे एंड देन ड्रेन कर लेंगे। ड्रेन करने के बाद जितना भी हमारा गर्म मसाला होगा निकाल के फेंक देंगे। अब हम इसमें तेल लगा रहे हैं, नीचे चावल, टमाटर और हमने ऊपर हरी मिर्च, ज़ाफ़रानी फूड कलर और ये अनियन ब्राउन अनियंस हमने थोड़ी सी डाल दी ऊपर से। और फिर हम इसमें डाल देंगे कोरमा, बिरयानी का मसाला कोरमा जो भी हमने बनाया था, तो ये अच्छे से हम डाल देंगे बीच में। हम सारा बिरयानी मसाला जितना भी होता है मैं बीच में रखती हूँ और ऊपर थोड़ा सा मसाला डालती हूँ बिरयानी का, ताकि इक्वली फ्लेवर आ जाए सारे चावलों में। तो जो बाकी चावल थे हाफ मैंने नीचे रखे थे, हाफ मैंने ऊपर डाल दिए एंड देन मैं इसमें अनियन, टमाटर और ज़ाफ़रानी फूड कलर जो होगा वो ऊपर से भी डाल दूँगी थोड़ा सा, दैट्स ऑल। एंड देन हम इसको अच्छे से कवर करके रख देंगे। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सबको अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पसंद आई थी, और आप लोग भी ऐसे ट्राई कीजिएगा, आप लोग को 100% बहुत पसंद आएगी। और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी मेरी रेसिपी और आपको कैसा लग रहा है मेरा ऐसे खाना बनाना। तो जी ये हम तकरीबन 20 मिनट के लिए हमने दम पे रख दिया था। उसके बाद ये 20 मिनट के बाद हमने इसको खोल कर हाफ मिक्स किया है, टोटली मिक्स नहीं करते हम। जो कुछ लोगों को वाइट चावल भी पसंद होते हैं और कुछ लोगों को मसाले वाले, तो इसको हाफ अच्छे से हमने मिक्स कर लिया सही से।
ये बिल्कुल रेडी हो चुकी थी हमारी बिरयानी। तो जैसे कि मैंने बताया था कि हम वन डिश पार्टी में गए थे, ये मेरी टीचर हैं, उनने पाए बनाए थे माशाल्लाह, वो खाने बहुत अच्छे बनाती हैं माशाल्लाह से। तो उन्हीं के घर में हमारी दावत थी, तो ये फाइनल लुक आ गया है। तो मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर, लाइक और कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, जल्दी का, तब तक के लिए अल्लाह।